So hey guys, welcome back to the channel, welcome back to the Raghav Vlogs. फिर से KTM Duke 390, हर व्लॉग में KTM Duke 390, क्या करूँ यार, कुछ नया दिखाने के लिए नहीं है तो कुछ पुराना दिखा दूँ, पुरानी चीज एंजॉय करोगे, चलो दिखा देते हैं, चलो वापस चलो. आज वो नहीं, वो चलाता है यार, TVS Jupiter after long long time, शीशे नहीं है उसके लिए, सॉरी, but I can handle. So आज Jupiter चलाने का मन कर रहा था, बड़े दिन हो गए व्लॉग में Jupiter नहीं चलाई, तो let's go. और थोड़ी फ्रेमिंग के लिए सॉरी, बिकॉज मेरे पास मेरा GoPro नहीं है, आई एम यूजिंग माई SD-CAM 7 Star, जो कि सिद्धार्थ भाई से लिया हुआ है, तो एक बार क्वालिटी देखना. और मैं जा रहा हूँ अभी ऐसी ही कहीं पे भी, कुछ ऐसा पक्का नहीं है, बिकॉज घर पे फ्री था, इससे अच्छा मैंने सोचा यार थोड़ा बैक टू ओल्ड एज हो जाते हैं. अभी ये स्कूटी मेरे पास नहीं है, मेरी सिस्टर के पास है, इसलिए मैं कुछ भी इसमें ठीक नहीं करवा रहा. अगर मेरे पास होती तो अब तक आपको ये स्कूटी बिल्कुल परफेक्ट दिखती. अभी इसका हैंडल थोड़ा बहुत टेढ़ा है, मज़ा आ रहा है क्योंकि यार देखो स्कूटी में बहुत मज़ा आता है, और मैंने लेकिन स्कूटी इतनी चला ली है ना कि अब वो मज़ा मेरे लिए यही हो गया. पूछो क्यों, क्योंकि मैंने स्कूटी पूरी 1,00,000 किलोमीटर चलाई थी. हाँ, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था मैंने पूरे 1,00,000 चलाई थी Jupiter. चलो थोड़ा आउटर की ओर चलते हैं, और आई लव राइडिंग माई Jupiter, लेकिन जो बाइक का अलग फील है ना, जो हाई स्पीड पे एक बार गियर शिफ्ट होता है और उसके बाद शिव, वो सीन मेरे को बहुत प्यारा लगता है. ठीक है, TVS Jupiter, और मेरे पैर में अभी भी जो लगा हुआ है बैंडेज अभी भी लगा हुआ है, तो इसलिए मैं स्कूटी पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. बाय द वे, कल मैं अपनी बाइक लेके गया था XBHP ढाबा, और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज 2 हफ्ते बाद अपनी बाइक चलाई और घर से बाहर निकला, थोड़ा मज़ा आ गया. और मैं पता है लाइफ में कब, दो से डेढ़ साल पहले, हाँ डेढ़ साल पहले सबसे दूर पता है इस पर कहाँ पे गया था मैं, सबसे दूर इस पर गया था करोड़ बाग, मेरा हेलमेट ले रहे हैं भाई साहब, क्या खुशी हुई थी उस दिन मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब इतनी खुशी तो मेरे को कभी नहीं हुई थी ज़िंदगी में, इतनी खुशी कि भाई मैं इतनी दूर चला गया. हॉर्न वर्क कर रहा है ना, हाँ, मतलब मैं इतनी दूर कैसे चला गया. अभी पता है इसका अलाइनमेंट नहीं है बिल्कुल, स्कूटी झूल सी रही है स्पीडिंग में, आराम से चलाते हैं. यस, आई स्टार्टेड माई राइडिंग करियर बाय दिस स्कूटी, यही स्कूटी है TVS Jupiter, और बहुत खुश था जब मैंने ली थी. जल्द से जल्द GoPro का इंतज़ाम कर दो, मेरे को पता है थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको सेटअप, मतलब वॉइस क्वालिटी बेटर है बट जो वीडियो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है इंक्रीज़ की जगह. 80 हो भाई साहब, भाई साहब स्कूटी को कुछ हो रहा है, 80 भाई, मेरे को तो डर लग रहा है वहाँ कसम, वाइब्रेशन आ रही है बड़ी तेज. सो अभी चले हम सिग्नेचर ब्रिज, मेरे को नहीं पता क्या सीन होने वाला है मेरे साथ, बिकॉज स्कूटी देखो, अगर स्कूटी नॉर्मली सीधी चल रही होती ना मैं कुछ नहीं कहता, बट ये स्कूटी शेक कर रही है, फट रही है यहाँ पे ब्रो, और आई थिंक इसका पीछे वाला टायर भी ख़त्म है, तो लगेंगे तो बहुत अच्छे से लगेंगे वरना नहीं लगेंगे आज. 85 तो लास्ट गई है, लेकिन यार आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय TVS क्वालिटी, बिकॉज इस स्कूटी को लगभग 3 साल हो गए हैं, बट अभी भी देखो भाग रही है, इंजन बहुत तगड़ा चल रहा है यार, देखो पागल जने कहाँ पे चढ़ा के बैठे, ज़ेब्रा एरी, यहाँ से कोई जा भी नहीं सकता, मतलब तुम चढ़ा के रखो अपनी गाड़ी. वाह, तो ये रहा सिग्नेचर ब्रिज का रास्ता, इधर जाना है
भजनपुरा यहाँ से जाते हैं, भजनपुरा से किसी व्लॉगर की यादें भी जुड़ी हुई हैं। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बात बोलना चाहूँगा, एज अ दिल्ली टाइम यहाँ पे आप जब भी आते हैं प्लीज़ बी सेफ। ये देखो ये जगह जगह पे ये खुला हुआ है, अभी ये बंद कर रहे हैं इन रास्तों को बिकॉज एक KTM ड्यूक 200 वाले का एक्सीडेंट भी हुआ था यहाँ पे। तो प्लीज़ गाइस बी सेफ, हेलमेट लगाइए। ये रहा आपका सिग्नेचर, आपका और हमारा सिग्नेचर ब्रिज। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अपने आप को सेफ रहो, और ये जो ऊपर जाने की चीज़ें हैं ना ये ना करो, ठीक है। ऐसा दिल्ली टाइम अपनी दिल्ली में कोई नया बना है तो उसकी रिस्पेक्ट करो यार। मुंबई का व्हाट्सअप कैसे सारे अपने पास भी आ गया। मजाक कर रहा हूँ यार, उतना तगड़ा तो नहीं है हमारा सिग्नेचर ब्रिज, बट जितना भी है प्यारा, बट थोड़ी दिल्ली की जो भारी पब्लिक आ रखी है दिल्ली में, हाँ मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, जो भारी पब्लिक आ रखी है, जो दिल्ली का गंध बचा रखा है, उन्होंने ख़राब कर दिया यार दिल्ली का ये जो शान बनी थी। अरे मैं तो कह दूँ भाई साहब, जो पॉलिटिशियन है वही लड़ेंगे तो यहाँ पे सीन कैसे नहीं होंगे बता दो मेरे को। अब काफ़ी लोग पूछे कि 3 साल बाद तेरी स्कूटी माइलेज क्या दे रही है, मत ही पूछो तो अच्छा है। 20-25 तक दे देती है, 3 साल फुल भगाया है, 1.5 साल तो कह के ली है इसकी मैंने, वो यही हालत थी इसकी, मतलब जैसे स्कूल से बाहर निकला और कहाँ जा रहे हो, चलो साथ में जो हमने ट्रिपलिंग फोरिंग करी है ना, मतलब लाइफ के मजे लिए ना। बाय द वे ये है सिग्नेचर ब्रिज, देख लो नस्मर रखा है, बोलने को हम बोलेगा थोड़ा। एक बार यहाँ पे खड़ा होके मैं थंबनेल ले लेता हूँ बिकॉज थंबनेल लेना ज़रूरी है। सो गाइस लिटरली ये पुल हिलता है तो थोड़े बहुत टाइम लैप्स ले लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। ये है पीछे का व्यू, ये रहा आगे का व्यू, ठीक है, ये देख लो पीछे का व्यू और ये रहा पीछे का व्यू। एक बार टाइम लैप्स ले लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो कैसे लगे टाइम लैप्स बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। यही होता है एक बार निकलूँ ज़रा घर से बाहर तो अपने आप ही कंटेंट बन जाता है, ठीक है। तो अभी सिग्नेचर ब्रिज अच्छा लगा मेरे को, मैं आ गया, अब यहाँ से जाते हैं घर बिकॉज, और देखते हैं रास्ते में कहीं पे रुकते हैं। आई थिंक मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा है, यस मेरा वेट बढ़ गया और मैंने डाइटिंग छोड़ दी है और आपके भाई ने जिम भी नहीं किया बिकॉज पैर में लगी हुई यार, और भूख भी आजकल ज़्यादा लगती है, ठंड में वैसे कम लगती है सबको भूख, मजा हमें यार कौन करो #हायाबुसा मजाक कर रहा था। सही है यार स्कूटी का अपना अलग मजा है, और उनको सल्यूट है यार जो स्कूटी पे लंबे लंबे टूर मारते यार, बढ़िया यार मज़ा आता होगा कितना। मैं तो कहता हूँ मतलब खाली हैंडल हमारा तो बाइक में साला गियर चेंज करते रहो, क्लच पे ध्यान दो, क्लच प्लेट फूक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने चोचले मज़ा आता है यार स्कूटी पे भी। तो अभी तो हम लोग जो जो स्कूटी पे राइड करता है इट्स अ वेरी बिग डील कि आप स्कूटी लेके जाओ और स्कूटी पर राइड करो, ये सबके बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात भी नहीं है, मैं क्लियर एंड कट बोलूँ, ठीक है। इतना आसान नहीं होता स्कूटी पर राइड करना, बट लेकिन अगर आप स्कूटी पर राइड करते हो और एक अच्छे राइडर हो और मतलब है आपके अंदर राइडिंग का कीड़ा स्कूटी से, तो यार अपने अंदर ना कभी भी एटीट्यूड मत लाओ, जो आपका टैलेंट है और जो आप हो वो सब मिट्टी में मिल जाता है, सच बता रहे हो ये बात। अगर आप राइडर हो अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट यू, बट अगर आप जो है ऐसी एटीट्यूड में रहोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और बिग थम्स अप टू यू।
यार मेरा मन कर रहा बाइक चलाने का, चलो बाइक चलाते हैं घर जाके। चलो आपको अब सीधा मिलता हूँ मैं बाइक पे, ठीक है? उसके बाद कुछ खाने चलेंगे, भूख लग रही है आपके भाई को, साला भुक्कड़ है। ठीक है सीधा बाइक पे मिलता हूँ आपको। सो ये आ गया हम हमारी KTM पे, इतना आसान नहीं था, पहले घर गया बाइक उठाई है, कहीं एक क्लिक में आप समझ रहे हो। तो फाइनली बैक ऑन लिटिल बीस्ट, हाँ स्टार्टिंग लिटिल बीस्ट ही कह लो इसको, मतलब भाई साहब अगर आपको सुपर बाइक नहीं लेनी ये ले लो, जस्ट एन एग्जांपल ब्रो। क्या पावर है यार इस बाइक पे, साथ ही साथ ब्रेकिंग, 1 2 3 ब्रेकिंग देखो एक बार। सुपर वेंटर्स पे है और कोल्ड कॉफी, बस आंखें दिख रही है ना, नींद आ रही हो रही है, थोड़ी जगा रहा है क्योंकि एक प्रोजेक्ट आ रखा है फ्रीलांसिंग का, तो वो पूरा करना है, तो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं और ऐसे ही हम डूइंग प्रिटी वेल जॉब। और अब घर जाऊंगा, वीडियो एंड कर दूंगा, उसके बाद काम करेंगे और क्या भाई, पैसा कमाना है। अब देहरादून की राइड आ पड़ी है, देहरादून जाना है। सो कोल्ड कॉफ़ी और यहाँ से आप ये वाली बॉटल सेल आउट के लें, हाँ ये सेल आउट, हेलमेट। और भैया से मैंने 4 सब्सक्राइब करवा दिया, आज से वीडियो देखोगे ना भैया? चलो तो पहले मैंने सोचा कि एंड करूँगा DSLR से, यानी अपने कैम से, फिर मैंने सोचा यार एक मोटो व्लॉग बनाया है तो मोटो की तरह ही एंड करें ना, मोटो व्लॉग की तरह ही एंड करें। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड गुड राइडिंग गियर्स, और ऐसी सपोर्ट करते रहो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना आपके भाई को, क्योंकि मैं अक्सर एक्टिव रहता हूँ उस पर। किसी को DM करना है, अच्छे से बात करनी है, वहाँ पे कर सकता है, लेकिन अगर कोई प्रमोशन करेगा तो सॉरी गाइस, मेरा रिप्लाई नहीं आएगा, बिकॉज मैं इतना काम से घिरा होता हूँ। अब अगर मैं आपके जो है मतलब प्रमोशन करने लग गया तो मेरी ऑडियंस को कौन संभालेगा, मेरे को ये समझ नहीं आता। तो यही, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाय गाइस, लव यू ऑल, ऐसे सपोर्ट करो। ये तो एक हो जाए।